हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इंडियन वल्चर, वो भी कार्डबोर्ड को यूज करके। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एक मोटा और एक पतला कार्डबोर्ड, ब्राउन, येलो, व्हाइट, ऑरेंज एंड पिंक कलर के चार्ट पेपर्स, काटने के लिए कैंची, जी हाँ, यानी सीजर चाहिए आपको, ब्लैक मार्कर, स्केच पेन या फिर आप पेंसिल भी ले सकते हैं। हमें और चाहिए रूलर यानी स्केल और व्हाइट ग्लू। सबसे पहले एक थिन कार्डबोर्ड ले लीजिए। अब अपने डिजाइन के हिसाब से और सीजर की मदद से कट कर लेते हैं। आपको कितना बड़ा या कितना छोटा बनाना है उस हिसाब से कट कर लीजिए। कट करने के बाद कार्डबोर्ड को हम रोल करके एक सिलेंडर जैसी शेप देंगे और व्हाइट ग्लू की मदद से चिपका देंगे। अब इसको सूखने के लिए रख दीजिए। सूखने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम लेंगे ब्राउन चार्ट पेपर। अब इस चार्ट पेपर को हम इस सिलेंडर के ऊपर चिपकाएंगे। तो पहले हम चार्ट पेपर की बैक साइड पे सिलेंडर को प्लेस करके मार्किंग कर लेंगे और कट कर लेंगे। अब व्हाइट ग्लू से इसको चिपका देंगे और सूखने के लिए रख देंगे। अब बनाएंगे वल्चर की बीक। इसको बनाने के लिए मैं यूज करूंगा थोड़ा मोटा कार्डबोर्ड। आप चाहें तो घर पर पड़े टीवी पैकेजिंग या इलेक्ट्रॉनिक कार्डबोर्ड बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं बीक का डिजाइन ड्रॉ करूंगा मार्कर की मदद से और इसे कट कर लूंगा। अब कट करने के बाद इसके ऊपर मैं ऑरेंज कलर का चार्ट पेपर चिपकाऊंगा। तो मैं ले लेता हूं ऑरेंज कलर का चार्ट पेपर और इसके ऊपर मैं कार्डबोर्ड की बीक को प्लेस करके मार्कर से लाइन खींच लूंगा और कट कर लूंगा। अब व्हाइट ग्लू से दोनों तरफ चिपका दूंगा। तो अब वल्चर की बीक तैयार है। बीक बनने के बाद ब्लैक मार्कर से आउटलाइन कर देते हैं। अब बीक को बॉडी से अटैच करने के लिए बॉडी के ऊपर और बीक के एंड पे स्लाइड कट कर लेते हैं और बीक को स्लिट के अंदर स्लाइड करके बॉडी के साथ जोड़ देते हैं। अब बीक सेट हो चुकी है। अब मैं लूंगा येलो चार्ट पेपर और इससे हम बनाएंगे वल्चर की बेली। पहले एक रेक्टेंगल टुकड़ा कट कर लेंगे और इसे एक ओवल शेप में कट कर लेंगे। इसे वल्चर की बॉडी पे यानी कि सिलेंडर के ऊपर ग्लू से चिपका देंगे। वल्चर की नेक पे एक व्हाइट कलर की बैंड होती है, तो उसे बनाने के लिए एक व्हाइट चार्ट पेपर के ऊपर मार्कर से गोल गोल डिजाइन बना के कट कर लेते हैं और इस स्लिट के ठीक नीचे चिपका देते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा नेक बैंड तैयार हो गया है। बच्चों, क्या आप जानते हो इंडियन वल्चर्स विलुप्त हो रहे हैं? इनको बचाने के लिए हमें कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स और अवैध शिकार रोकना होगा। हमारी जागरूकता से हम इन पक्षियों को बचा सकते हैं। चलिए तो अब हम बनाएंगे ईगल का फेस। इसको बनाने के लिए पिंक पेपर से एक रेक्टेंगल कट कर लेंगे और इसका जो साइड है उसे थोड़ा राउंड कर लेंगे। अब इसे नेक बैंड के ऊपर चिपका देते हैं। देखो, चिपकाने के बाद जो बीक का स्लिट था वो छुप गया है, तो फिर से उस स्लिट को मैं कट कर लूंगा जिससे बीक को अटैच करने में आसानी होगी। अब कट करने के बाद बीक को फिर से अटैच कर देते हैं। अब बनाएंगे विंग्स। इसको बनाने के लिए मैं लूंगा ब्राउन चार्ट पेपर और इसे एक रेक्टेंगल कट कर लेंगे। अब इसे हाफ फोल्ड करके विंग्स का शेप ड्रॉ कर लेते हैं। फोल्ड करने से क्या होगा, एक ही बार में दो विंग्स कट होके आ जाएंगे। ब्राउन विंग्स कट हो गए हैं, पर इसके ऊपर मैं येलो कलर की एक विंग चिपकाऊंगा। तो लेते हैं येलो चार्ट पेपर और फिर से रेक्टेंगल कट कर लेते हैं, इस बार पहले विंग से थोड़ा छोटा। अब फिर से फोल्ड करके विंग्स ड्रॉ करके कट कर लेंगे।
अब ब्राउन विंग्स के ऊपर येलो विंग्स चिपका देंगे। अब मार्कर से इसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर थोड़ी डिटेल्स भरेंगे। अब विंग्स को बॉडी के दोनों साइड पे ग्लू से चिपका देते हैं। अब लेंगे व्हाइट चार्ट पेपर और इसके ऊपर मार्कर से आईज ड्रॉ कर लेंगे और कट कर लेंगे। अब ग्लू से इसे फेस के ऊपर चिपका देंगे। टेल के लिए फिर से यूज करेंगे ब्राउन एंड येलो पेपर। पहले ब्राउन से विंग कट कर लेंगे, इसके बाद थोड़ा छोटा करके येलो पेपर कट कर लेंगे और ब्राउन के ऊपर चिपका देंगे। अब टेल रेडी हो गई है तो इसे बॉडी के बैक साइड पे चिपका देते हैं। अब येलो पेपर से छोटे छोटे दो स्क्वायर कट कर लेंगे और एक साइड को राउंड कर देते हैं। अब मार्कर से लेग्स ड्रॉ करते हैं और ग्लू से चिपका देते हैं। तो इस तरह से तैयार हो गया है हमारा क्यूट सा इंडियन वल्चर। सोनालिका ई गुरुकुल आपको ऐसी रंग बिरंगी रोमांचक चीजें सिखाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए सोनालिका ई गुरुकुल के साथ।